अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आज की हमारी क्लास UGC नेट उर्दू की कुछ अहम सवाल हैं जो आने वाले इम्तिहान 2022 के लिए बेहद कारआमद होंगे। तो जो बच्चे UGC नेट उर्दू से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। 9045220432 नंबर से रابطہ करें। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, अली आदिल शाह शानी शाही के दीवान में कुल कितने कसीदे शामिल हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। जिसका सही जवाब ऑप्शन डी है 6। अगला सवाल, नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था? फैज़ किसी मरकजी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन बी नून राशिद, ऑप्शन सी सैयद एहतसाम हुसैन, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी नून मीम राशिद। और नून मीम राशिद इन्होंने ही नक्श फरियादी का दिबाचा भी लिखा था। और नक्श फरियादी 1941 में शाया हुई थी। अगला सवाल है, सुरेंद्र लाल बेदी की किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए ग्रहण, अपने दुख, ऑप्शन बी है अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन सी लाजवंती, ऑप्शन डी है गरमकोट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाजवंती। अगला सवाल, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? ऑप्शन ए असमत चगताई, ऑप्शन बी ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन सी हयातुल्ला अंसारी, ऑप्शन डी है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है असमत चगताई। अगला सवाल है, रानू और तलुका किस नावल के मरकजी किरदार हैं? ऑप्शन ए एक चादर मैली सी, ऑप्शन बी शिकस्त, ऑप्शन सी टेढ़ी लकीर, ऑप्शन डी कारजहां दराज है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक चादर मैली सी। अगला सवाल, ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेसियों से मुख्तसर शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान में सहरुल बयान से मुतल्लिक ये बयान किसका है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी मीर हसन सॉरी मीर अमन, ऑप्शन डी है शाह सैदुल्ला गुलशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर हसन। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही अपनी किताब आबे हयात में ये बात कही है। मीर हसन का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गुलाम हसन, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, ऑप्शन डी है मीर गुलाम हसन। तो इनका सही जवाब था ऑप्शन डी, इनका असल नाम था मीर गुलाम हसन और ये मीर जाहिक के बेटे थे मीर हसन। अगला सवाल है, ए शमा तेरी उम्र तबाही है एक रात, हंस कर गुजार या इसे रो कर गुजार दे। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए मुरातुल नज़ीर, ऑप्शन बी तजाद, ऑप्शन सी हुस्न तअल्लुल, ऑप्शन डी तलमी। जिसका सही जवाब ऑप्शन बी है तजाद। अगला सवाल, शोखी व ज़राफ़त तखील की बुलंदी परवाजी और तहदारी किस शायर के कलाम की खसूसियात है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी फराक, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है नासिख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है गालिब। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए? ऑप्शन ए लखनऊ 1734, ऑप्शन बी अकबराबाद 1736, ऑप्शन डी आगरा 1738 एंड ऑप्शन डी दिल्ली 1740। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली में 1740 में ये पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1830 में हुई थी 1830। आगरा में इनकी वफ़ात हुई थी।
कौन सी तसनीफ शिबली की नहीं है? ऑप्शन ए अल मामून, ऑप्शन बी इल्मुल कलाम, ऑप्शन सी शमशुद्दोहा, ऑप्शन डी अल गजाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, शमशुद्दोहा। अगला सवाल, नावल ऐवान गज़ल किस सन की तसनीफ है? ऑप्शन ए कुरतुल ऐन हैदर, ऑप्शन बी जीलानी बानो, ऑप्शन सी अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन डी है असमत चगताई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जीलानी बानो। अगला सवाल, नावल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा हादी रुसवा, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी है अज़ीज़ अहमद, ऑप्शन डी है रतनाज सरसार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मिर्ज़ा हादी रुसवा। अगला सवाल है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन ए है फराग गोरखपुरी, ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन सी मखदूम मईलुद्दीन, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फराग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। इनका बहुत मशहूर शेरी मजमुआ है गुल नगमा, उस पर इनको अवार्ड से नवाजा गया था। अगला है, इनमें से कौन सा अफसाना शहादत हुसैन मंटू का नहीं है? ऑप्शन ए चग, ऑप्शन बी यजीद, ऑप्शन सी लज्जत संग, ऑप्शन डी है हिमाकते। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, हिमाकते। और चग्द, लज्जत संग और यजीद ये मंटू के अफसाना हैं, हिमाकते नहीं है। अगला सवाल है जलवाए गुल है फ़ज़ाए वादी पुरखार में, सुर्ख तकमा से कबाए सब्ज़ा क़िसार में। सुर्ख तकमा से सुरूर जहां आबादी की मुराद क्या है? ऑप्शन ए है बीटर, ऑप्शन बी बैर बहूटी, ऑप्शन सी जुगनू, ऑप्शन डी शहद की मक्खी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बहर बहूटी। अगला सवाल है, शायरी में मोहसिन काकुरवी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए जलाल लखनवी, ऑप्शन बी अमीर मिनाई, ऑप्शन सी दाग, ऑप्शन डी अनीस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर मिनाई। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद जर्रीन से ताल्लुक़ नहीं रखता? ऑप्शन ए सौदा, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी आतिश, ऑप्शन डी दर्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आतिश। और मीर और सौदा के दौर को ही उर्दू शायरी का अहद जर्रीन दौर कहते हैं। अगला सवाल है, नज़्म दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन सी सुरूर जहां आबादी, ऑप्शन डी चकबस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चकबस्त। अगला सवाल है, मीर तकी मीर की वफ़ात किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1814, ऑप्शन डी है 1816। तो इसका सही जवाब है 1810। और इनकी विलादत कब हुई थी? इनकी विलादत हुई थी 1722। बाईस से तेईस आगरा में हुई थी। अगला सवाल है, ख़ताबिया कसीदा की पहचान क्या है? ऑप्शन ए ख़ताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज के अज़ा नहीं होते, बल्कि शायर बराए रास्त मदह से कसीदे की इब्तदा करता है। ऑप्शन बी ख़ताबिया कसीदे में मदह के बग़ैर शायर तशबीब और गुरेज से कसीदे को मुकम्मल करता है। ऑप्शन सी है ख़ताबिया
कसीदे में शायर सिर्फ दुआया अशआर पर इक्तफा करता है। ऑप्शन डी खताबिया, कसीदे में शायर मदह की सिर्फ हिजू करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, खताबिया। खताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज के जजा नहीं होते, बल्कि शायर बराह रास्त मदह से कसीदे की तरफ इब्तदा करता है। और कसीदे की किस्में अगर पूछी जाए तो कसीदे की दो किस्में होती हैं, तमहीदिया और खताबिया। अगला सवाल, किस शायर ने मरसिए को मुसद्दस की मखसूस हैयत बख्शी? ऑप्शन ए मीर खलीक, ऑप्शन बी मीर जाहिक, ऑप्शन सी मीर ज़मीर, ऑप्शन डी मीर अनीस। तो इसका सही जवाब है मीर ज़मीर। अगला सवाल, रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन ए हातिम, ऑप्शन बी हाशमी, ऑप्शन सी आबरू, ऑप्शन डी नाजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाशमी। अगला सवाल, नावल उमराव जान आदा में उमराव जान की परवरिश किसने की? ऑप्शन ए खानम, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन सी खुर्शीद, ऑप्शन डी बुआ हुसैनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुआ हुसैनी ने उमराव जान अदा की परवरिश की थी। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि उमराव जान अदा का पहला दोस्त कौन बना था, तो वो गौहर मिर्ज़ा था, गौहर मिर्ज़ा। अगला सवाल है, मशरकी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन तीन बी है तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मशरकी हिंदी की तीन बोलियाँ थी। कौन कौन सी? पहली थी अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी थी छत्तीसगढ़ी। आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।